नॉन स्ट्राइकरण पर अंपायर रहेंगे यूसुफ, थर्ड अंपायर के रूप में रहेंगे फजल। पर मैं पहली गेंद लेकर तैयार, राइट राउंड से पहली गेंद पर पहला चल आता हुआ, बहुत ही अच्छी शुरुआत इस बिल्डिंग होती हुई वहां पर क्षेत्र रक्षक की, परिणाम स्वरूप चार रन का इजाफा होता हुआ। सही चलो फिर एक दफा पर मैं अपने फॉलो थ्रो में पहुंचते हुए देखना, अभी पहली गेंद पर चौवा खा चुके हैं तो दूसरी गेंद लेकर अपने फॉलो थ्रो में तैयार होते हुए बंटी ने अपना खाता खोला है चार रन के साथ। पर नहीं पर राइट राउंड के शेष ओवर की दूसरी गेंद रहेगी, खराब गेंद लेकर स्टंप से काफी बाहर, पर का इशारा था वह व्हाइट का, इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा पांच। फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ, फिर एक दफा ऑफ साइड की दिशा में, अंपायर का इशारा रहेगा चार रन का स्कोर। ना किस तरह से कमबैक करते हैं यहां पर नहीं, या बंटी वन गेंदबाजों पर बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ, फिर एक दफा ऑफ साइड की दिशा में एक रन का इजाफा होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा दस के निजियों पर। पहली ओवर इस समय प्रगति पर 10 रन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा शॉट मगर उतनी अच्छी फील्डिंग होती हुई अभी यहां पर डॉट गेंद फेंकने में कामयाब हुए हैं। पर नए सुबोध उनका सामना करने के लिए तैयार है गिरीश, और देखना अभी गिरीश किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दूसरे ओवर में। पहले ओवर में काफी मिली जुली शुरुआत, 10 रन बना चुके, फिर एक दफा इस ओवर की पहली गेंद पर पहला चौका आता हुआ, सीधी गेंद को खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र रक्षक के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रन के लिए, और स्कोर बढ़कर पहुंचा है चौबे के साथ 14 रन, 14 फॉर नो लॉस। नाउ सेकंड ओवर इज प्रोग्रेस, फाइव डिलीवरीज लेफ्ट, फिर एक दफा सुबोध अपने ओवर की अगली गेंद गिरीश के लिए, और बहुत ही अच्छी गेंद बीट कर दिया यहाँ पर गिरीश को, समझ नहीं पाए गिरीश, गेंद विकेट कीपर के द्वारा फील होकर फॉलो थ्रो में आती हुई सुबोध के पास, स्कोर रुका हुआ 14 के निजी पर, अगली गेंद रहेगी और बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ यहाँ पर, सीधी गेंद जाती हुई चार रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद रहेगी सुबोध के, बहुत ही अच्छा शॉट मैदान के ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, परिणाम स्वरूप स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा है इस चौबे के साथ 22-22। तो पहले दो ओवर में हिट दबाव बनाना पड़ता और बना ही दिया है, देखना फील्डर को चांस, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग होती हुई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सुबोध अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, राइट राउंड की गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ, इस पर कोई चांस नहीं फील्डर को, गेंद सीमा रेखा के बाहर, स्कोर बढ़कर पहुंचा है चौबे के साथ 26-26। दूसरा षटकाच्या समाप्ती नंतर गुंदा दांबारी संघाची धाव संख्या है 3-26, लगभग 13 रन का रन रेट अभी तक पढ़ने में कामयाब हुए। इस बड़े मैच में 13 रन का रन रेट भी बहुत ही अच्छा रन रेट साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पास अगर गेंदबाज मौजूद है तो डिफेंड भी कर सकते हैं। फिर एक दफा राहिल राइट राउंड से गेंदबाजी करेंगे, बंटी के लिए एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बंटी इस समय ऊपर के आया हुआ, नो बॉल, एक रन मिलेगा इस पर एक्स्ट्रा के रूप में, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर ट्रबल होता हुआ स्कोर पहुंचा है 27-27 राहिल। फिर एक दफा राइट राउंड से गेंदबाजी करेंगे, सोर के अगली गेंद रहेगी, बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ यहाँ पर, कवर ड्राइव इसको कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, वही शॉट यहाँ पर खेला हुआ बंटी ने और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 31-31। गेंदबाजी करेंगे, देखना बंटी के लिए, बंटी का अच्छा शॉट आता हुआ गली क्षेत्र में, गेंद एक रन के लिए, स्कोर में ट्रबल होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंचा 32। फिर एक दफा और यहां से चार गेंदें इस ओवर की आनी बाकी, तो देखना है चार गेंदों में बंटी कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं। एक दफा राहिल राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, बंटी के लिए इस ओवर की अगली गेंद रहेगी, तो देखना यहां पर फिर एक दफा खराब गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट का, इस हिल का ओवर यहां पर काफी महंगा साबित हो रहा है दत्ता प्रसाद की टीम के लिए। फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद रहेगी, फिर एक दफा खेल दिया इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर चार रन, इन चार रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 36-36 37-37। तो अच्छा स्कोर, अच्छा तालमेल यहाँ पर बना के रखा है बंटी और गिरीश ने,
तीन बॉल आने बाकी, तो बची हुई तीन गेंदों पर और कितने रन बनाते हैं यहाँ पर, तो उसी पर दारोमदार टिका रहेगा। फिर एक दफा वाइड, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 38-38। बॉडी मार पर तैयार, इस ओर की अगली गेंद रहेंगी, इस गेंद को भी खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, चार रन के लिए, कोई फील्डर नहीं, सीधी गेंद फील्डर के ऊपर से जाती हुई चार रन के लिए, 42-9। एक दफा राहिल, इस ओवर की अगली गेंद, देखना बंटी क्या कर पाते, खेल दिया यहाँ पर एक रन के लिए, इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 43-43। लास्ट बॉल आनी शेष, इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे राहिल और उनका सामना करेंगे बंटी, तो देखना अभी बंटी क्या करते हैं इस गेंद पर, बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ बंटी के पैर से निकलने वाला चौवा, इस चौवे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 47। देखना यहाँ पर क्या होता है, दीपराज गेंदबाजी का भार संभालेंगे, टीम की ओर से आखिरी निजी पहली, दीपराज बैटर राउंड से गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद है, यहाँ पर जोरदार अपील होती हुई रन आउट के लिए, यहाँ पर मौका उपलब्ध रहेगा। अगली गेंद विश्वजीत की, लेफ्ट हैंड ओवर देखे से गेंदबाजी का भार संभाले, फिर एक तो पांच है शॉट आया, चार रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, फील्डर को कोई चांस नहीं, दो फील्डरों के दरमियान से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर डगआउट की तरफ आती हुई, इन चार रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 9-2। टीम का स्कोर 9-9। फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस 64 रन का डिफेंड करते हुए झुंझा टीम जामबारे और लश का पीछा करने उतरी है यहाँ पर दत्त प्रसाद की टीम कुंडली। एक दफा इस ओर की अगली गेंद रहेंगी विश्वजीत की, इस ओर में फिर एक दफा खराब गेंद, 9 बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा 10-9। फर्स्ट ओवर प्रोग्रेस, तीन चेंडू फेकून झाले, तीन चेंडू शिल्लक पहिल्या षटकातील। फिर एक दफा विश्वजीत, इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट हैंड ओवर से उन्होंने गाड़ी अंपायर के पास से दीपराज के लिए, इस ओवर में अगली बार फिर एक दफा मैत्री शॉट आता हुआ दीपराज के बल्ले से, फुल टॉस गेंद थी उसको खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, चार रन के लिए स्कोर बढ़कर पहुंचा इस चौवे के साथ 18-14-14-9। नाउ फर्स्ट ओवर इज प्रोग्रेस, टीम के लिए होती हुई यहाँ पर दीपराज के बल्ले से, यहाँ पर तीन चौवे आते हुए, तो देख रहा विश्वजीत इस ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार, दीपराज के लिए गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही अच्छा शॉट अंदर लेकर खेला हुआ गेंद, सीधी गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के बाहर, चार रन से स्कोर बढ़कर पहुंचा 18-18। ये बहुत ही मातब्बर खिलाड़ी है, मन में क्या रन बनाने में कामयाब होते या नहीं, फिर दफा विश्वजीत पहली इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकने में, और इस गेंद पर भी चौका लगा दिया दीपराज की स्पोर्टल बल्लेबाजी, टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 22-22। और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर आ रहे आयुष, उनका सामना करेंगे सुबोध, तो देखना भी क्या होता है सुबोध किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, पहली गेंद पर पहला चौका, फुल टॉस गेंद, गेंद को खेल दिया सीधा स्ट्रेट रहा और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, चार रन के लिए स्कोर बढ़कर पहुंचा 26-26। अभी यहां पर प्रेशर में गेंदबाज, पहली गेंद पर चौवा, पिछली ओवर में भी पहली गेंद पर चौवा लगाया था, इस गेंद पर भी चौवा आता हुआ, तो टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 26-26। फिर एक दफा अपने फॉलो थ्रू में पहुंचते हुए आयुष, आयुष के ऊपर जिम्मेदारी रहेंगी कि किस तरह से गेंदबाजी करने यहाँ पर मैच उनका चलता हुआ, फिर एक दफा इस ओर की अगली गेंद रहेंगे सुबोध के लिए, खराब गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा था वो व्हाइट का, इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 27-27। नौ सेकेंड ओवर इज प्रोग्रेस, दूसरे षटक प्रगति पथावर, दत्त प्रसाद संघा की धाव संख्या है बिन बाद 27। फिर एक दफा फलतुर में पहुंचते हुए आयुष, इस समय सुबोध के लिए फिर एक दफा खराब गेंद, 9 बॉल का इशारा अंपायर आयास का, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 28-28। फिर एक दफा आयुष एंटरवांडे के सेकंड बाजे करेंगे सुबोध के लिए, सोर में अगली बार फिर एक दफा फुल टॉस गेंद, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा नहीं, चार रन के लिए खेल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर, इन चार रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 32-32। पर सुबोध अच्छा समाचार ले रहे, तो यहाँ पर आयुष को कमबैक करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी गेंद और यहाँ पर जोरदार अपील होती हुई भाव से लगकर रिटर्न यहाँ पर
विकेट हिला था, इस वास्ते अंपायर ने उसको नॉट आउट घोषित किया। फिर एक दफा अपने फॉलो थ्रू में आते हुए आयुष और अपने क्रीज पर जाते हुए सुबोध एक गेंद मैदान फेंक दिए। फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद रहेंगी, देखना सुबोध अभी अगली गेंद पर क्या करने में कामयाब होते। जोरदार शॉट खेला हुआ सीधा बॉक्स आउट, पहली सफलता। परनौ किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं आयुष की गेंदबाजी पर। इस ओवर की अगली गेंद रहेगी और इस गेंद पर बहुत ही अच्छा शॉट, मगर फील्डर मौजूद वही रास्ता ही मैडन बॉल। स्कोर इस समय रुका हुआ 32-32, जहां पर एक या दो गेंदों में दूसरे ओवर के 32 स्कोर था, यहां पर पूरा डिफेंड करने के मोड में लाकर रखा दत्ता प्रसाद की टीम को आयुष ने। पहले दो गेंदे खराब फेंकी थी, अगले गेंदों पर किस तरह का कमबैक करना है इस गेंदबाज ने दिखा दिया धुंधला टीम के खिलाड़ियों को। फिर एक दफा आयुष इस ओर का अगली गेंद पढ़ने के लिए राइट राउंड से गेंदबाजी करेंगे, पढ़ने के लिए इस ओर में अगली बार फिर एक दफा बीट होते हुए पढ़ने, वहां पर कोई रस नहीं मिलेगा और की समाप्ति होती हुई। जिंदा टीम जामबाड़ी के लिए 32 रन बना चुके दो ओवर में और 32 रन की जरूरत, हर ओवर में 16 रन का रन रेट, कुछ भी हो सकता है। दीपराज अगर चाहे 12 गेंदे खेलने में कामयाब हुए तो जीत अपनी तरफ खींच सकते हैं। गिरीश के पास मौका रहेगा, दीपराज के पास भी मौका। पहली गेंद और पहली गेंद पर बहुत ही अच्छा शॉट आता हुआ दीपराज के बल्ले से 4 रन। 36 पर पहुंचता हुआ स्कोर। फिर एक दफा गिरीश राइट राउंड के सेकंड पांच करके स्कोर के अगले गेंद रहेंगे दीपराज के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, बीट कर दिया, गेंद सीधी जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में एक चौवा आएगा, उस तरह से मैच आगे बढ़ता जाएगा। फिर एक दफा गिरीश राइट राउंड के सेकंड दीपराज के लिए और फिर एक दफा भी शॉट होता हुआ दीपराज का, एक रन दौड़ा चाहते थे और यहां पर बड़ा विकेट लगा थे। देखना अभी क्या होता है, क्या होता है दीपराज दगाड़ में जाते हुए बड़ा विकेट कमबैक जिसको कहा जाता है वही रनआउट के रूप में। यह रनआउट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इस ग्राउंड पर। तीन विकेट गिरीश एक अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने काम कर दिया है, रनआउट के रूप में सफलता, दबाव बनाया। फिर एक दफा मैडन बॉल, क्या गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौवा खाने के बाद यहां पर 4 गेंद 3 गेंदे मैडन, इसके बाद तुरंत मैच खेला जाएगा। मकसूद लंबा एक पड़वे वर्सेस हनुमान टीम कुडली, दोनों टीमों के कप्तान ने अपनी टीम तैयार रखने। फिर दफा गिरीश की अच्छी गेंद, फिर एक दफा मैडन बॉल, कोई रन नहीं, कोई रन नहीं, फिर से मैडन बॉल आता हुआ गिरीश। फिर एक दफा अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार राइट राउंड की सेकंड बाजी गिर गई, इस ओवर में वाइड का इशारा, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 37-37। फिर एक दफा गिरीश राइट राउंड की सेकंड बाजी करेंगे, फिर एक दफा यहां पर मैडन बॉल आता हुआ वाइड का इशारा, एक और रन से एक्स्ट्रा में जुड़ता हुआ दत्ता प्रसाद की टीम के लिए, क्योंकि और यहां से 26 रन की जरूरत है। फिर एक दफा गिरीश राइट राउंड की सेकंड बाजी करेंगे, इस पर शॉट खेलने का प्रयास और यहां पर फिर से 4 रन नहीं मिलने वाले। अच्छी फील्डिंग का नमूना यहां पर झुंझा टीम जामबाड़ी के द्वारा होता हुआ, ओवर की पतन होता हुआ, यहां पर एक चौवा भी लगा होता तो सफल हो जाता, मगर अभी मैच यहां पर फंसता हुआ। एक दफा इस ओवर की पहली गेंद और यहां पर खेल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बॉलर कौन, कोई रन नहीं मिले, फेंकी फिर एक दफा दूसरी गेंद लेकर तैयार, यहां पर एक रन मिलता हुआ, एक रन से नहीं चलने वाला, स्कोर बढ़कर 4 चेंडवाने 21 दावा। फिर एक दफा इस ओवर के अगली गेंद, फिर एक दफा खेल दिया 4 रन के लिए, इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 47-47। फिर एक दफा संकल्प राइट और राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, इस ओवर में अगली बार फिर एक दफा खेल दिया एक रन के लिए, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 48-48। अभी पूरी तरह से मुकाबला झुंझा टीम जामबाड़ी की तरफ झुकता हुआ। फिर एक दफा इस ओवर की अगली गेंद रहेगी, हल्का सा कट करने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, मैडन बॉल। फिर से गेंद फॉलो थ्रू में आती हुई यहां पर संकल्प के पास
क्या दो ओवर फेंके आखिर के, पहले दो ओवर में 32 रन थे, आखिर के दो ओवर में मैच ही बदल दिया पूरा, और चार रन से, चार रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 52-52 और कुल मिलाकर 52-52 11 रन से मैच आ गई। तब तो पसारी टीम कुंडली सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई झुंझा टीम जामबाजी, अभिनंदन।